6 जून 2024 को अख्तर अंसारी अपने घर से शाम को निकलते हैं और 6 जुलाई 2024 की अर्धरात्रि के बाद जब 7 जुलाई ने दस्तक दी, तब रात 2 बजे जब रांची गहरी नींद में सो रही थी, तब एक अज्ञात नंबर से अख्तर अंसारी के परिवार को कॉल आती है। उस कॉल में आवाज अख्तर अंसारी की थी, जो दर्द से कराहते हुए बस इतना कह पाती है, मुझे मारा जा रहा है। कॉल कट हो जाती है। रात के इस पहर में परिवार कुछ समझ पाता कि कुछ घंटे गुजरते हैं। खबर आती है कि अख्तर अंसारी की मौत हो गई है। इस पूरे घटना को समझने के लिए टिंड पोस्टिंग मरहूम अख्तर अंसारी के परिवार से मिलने रांची के विधानसभा कांके में बसी एक छोटे से गांव काटमकुली में पहुंची, जहां कुछ चौंका देने वाली बात परिजनों के जरिए सामने आती है। आइए पूरा वीडियो देखते हैं। क्या नाम हुआ? जी, मेरा असगर अंसारी नाम हुआ। अख्तर अंसारी को क्या लगते हैं? छोटा भाई है। अख्तर अंसारी यही घर में रहते हैं जो आपके? जी, यही वाला में रहते हैं, इससे बगल में हम रहते हैं। क्या एड्रेस है घर का? इसका काटमकुली, जिला रांची, थाना पिठोरिया, पोस्ट काटमकुली। अख्तर अंसारी के घर के बारे में बताइए, घर में कौन कौन रहते हैं? उसका घर में 4 बच्चा है, 1 लड़की है, 3 लड़का है और उसका बीवी रहते हैं। 4 परिवार अख्तर लगा 5 थे। पर आप, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम इरशाद अंसारी है। आप अख्तर अंसारी क्या लगते हैं? भतीजे हैं, बड़े भतीजे। अख्तर अंसारी क्या करते थे, काम क्या करते? काम बंगला भट्टा का था, ईटा बनाते, पकाते और बेचते। कितने साल से कर रहे थे? ये 2 साल से कर रहे थे। ये काम से पहले क्या करते थे? इससे पहले जानवर का खरीद बिक्री करते थे हम लोग बाजार में। कहाँ पे? जी, बाजार में। मतलब यही एरिया? हाँ हाँ। तो अभी कुछ सालों से वो बंगला भट्टा पे जुड़े हैं। आप कैमरे पे देखिए कभी ऊपर। तो उस दिन के बारे में बताइए, कौन, क्या तारीख था और वो कब घर से निकले, क्या बोल कर निकले? वो 6 तारीख का शाम था। शाम को बोले थे कि कहीं जाना है, मुझे एग्जैक्ट नहीं बताए थे कि कहाँ जाना है। तो शाम में हमसे 6 बजे से वही 6 बजे के लगभग हमसे बात हुई। उसके बाद बोले कि जाना है, फिर हम बोले ठीक है। उसके बाद अचानक से कॉल आई रात में, जब सोए हुए थे तो वहाँ बोलने लगे एकदम बचाओ बचाओ, ये लोग जान से मार देंगे हमको, भीड़ ने घेर रखा है। कितने बजे आया था कॉल? वही 2 बजे लगभग। तो उस वक्त हम हेलो हेलो इधर से बोल रहे हैं, तो पीछे से आवाज़ आने लगी मारो मारो, झोला है मारो। फिर मोबाइल छीन लिया गया और बोल उधर से धमकी टाइप में आने लगा, इसको मार दिया जाए, जान से मार दिया जाए। तो वो नंबर आप लोग ट्रेस करे कहीं ट्रू कॉलर में या कहीं में देखे क्या था? हाँ, ट्रू कॉलर में ब्लैक पैंथर का नाम से शो कर रहा था। ऐसे रोज रोजमर्रा की जिंदगी में अख्तर अंसारी जब घर से निकलते थे तो कितने बजे घर लौटते थे? रात में 9 बजे तक लौट जाते थे, जनरली लौट जाते थे। उनका काम नहीं रहता था रात भर बाहर रहने का। जैसे ये केस जो हुआ है 2 बजे रात में, तो 2 बजे तक का वो जनरली बाहर रहते थे कि घर में रहते थे? नहीं, वैसे रात को बाहर नहीं रहते थे, आ जाते थे। कभी कभी वैसे काम पड़ता था तो कहीं जाते थे तो रुक जाते थे। जैसे शादी पार्टी में गए, मेहमानी गए तो रुक जाते थे वैसा। तो जब 9 बजे आप बोल रहे हैं कि 9-10 बजे तक का वो घर आ जाते हैं, तो उस दिन 2 बजे, 1-2 बज गया था रात को, तब तक का वो घर नहीं आते। तो घर से किसी ने कॉल किया, उनकी वाइफ ने या उनके घर के कोई सदस्य ने उनको कॉल किया था? इस बारे में तो नहीं, हम कॉल नहीं किए थे उनको। हम सोचे कि आ गए होंगे बोल के हमने ही कॉल की। तो जब आप लोगों कॉल आया, जो अननोन नंबर से कॉल आया, आप सुने ये बात, तो उसके बाद क्या हुआ, क्या किया? उसके बाद मैंने नामकम थाना के रंजीत कुमार, जो भी अधिकारी है या जो भी है, उनको मैंने फ़ोन किया, उनका नंबर लिए और फ़ोन किए। तो
वो बोले कि जो नंबर आया अननोन नंबर, वो नंबर मुझे दो। मैंने उनको नंबर दिया, उसके बाद वो बोले कि ठीक है मैं लोकेशन ट्रेस कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर वैसे ही आधा घंटा का गैप बना के उनको फ़ोन करते गए कि सर क्या हुआ, पता चला कि नहीं चला, आप उनको बचाइए, भीड़ ने उनको घेर रखा है, उनको बचाइए सर। हम उनको रिक्वेस्ट किए, वो बोल रहे ठीक है बाबू हम लोकेशन ढूंढ रहे हैं, जा रहे हैं। वैसे दो तीन मरतबा कॉल किए, उसके बाद लास्ट कॉल किए उनको 4:10 में। उनको मैंने कहा तो वो बोले कि फिक्र की कोई बात नहीं है, आपकी चचा ठीक है, कोई मारा पीटा। हम बोले कि सर उनको मारा पीटा तो नहीं गया सर, रंजीत कुमार सिंह बोले। अच्छा क्या बोले, क्लियर बताइए। क्लियर बोले कि मतलब आपका चचा ठीक है, मारा पीटा नहीं गया है, उसको झाप से मारा गया यानी थापड़ से। तो हम बोले कि सर वो ठीक है ना सर, तो बोले ठीक है। फिर हमको रंजीत कुमार बोलने लगे क्या रे तेरा चचा पहले भी जेल जा चुका है। तो हम बोले हाँ सर, एक बार हम लोग मवेशी खरीदारी बिक्री में हम लोग को पकड़ा थानेदार, तो उसी में जेल गए हुए। कितने दिन रहे थे जेल? जेल में वही 9 महीने के लगभग, 9-10 महीने के लगभग। तो फिर बेल किस आधार पर मिला था? ठीक, तो फिर आगे क्या हुआ, रंजीत कुमार से क्या बात? रंजीत कुमार से वही बात हुई 4-10 में कि तेरा चचा ठीक है, टेंशन की फिक्र की कोई बात नहीं है। उसके बाद वो बोले कि तेरा चचा जेल भी गया, उसके बाद कॉल काट दिए। कि हम बोले हाँ सर गया, मैंने बताया, उसके बाद वो कॉल काट दिए। फिर 2 से 4 का बीच का बात आप बता रहे हैं, ये 2 घंटा में कोई आपके घर से कोशिश किया वहाँ जाने का? हम लोग जाने का कोशिश तब करते जब थाना अधिकारी अगर हम लोग को साफ जवाब दे देता कि मेरा पहुँच से बाहर है, आप लोग अपना कोशिश कर लीजिए, तो हम लोग जाते। लेकिन थाना अधिकारी रंजीत कुमार जी हम लोग को दिलासा देते गए कि हम ढूंढ रहे हैं और हमें मिल नहीं रहा है। तो हम लोग सोचे कि थाना अधिकारी जब ढूंढ ही रहे हैं तो हम लोग को यहाँ से दूरी भी बहुत है और वैसा साधन भी नहीं था कि चल जाए। करीब कितने किलोमीटर दूर है यहाँ से? यहाँ से लगभग वही 30 किलोमीटर के दायरे। हाँ, तो फिर आप लोग कब वहाँ पहुँचे? हमको फिर वो बोले कि आप निश्चिंत हो जाइए 4:10 में। तो हम निश्चिंत हो गए और सो भी गए। जब अचानक से कॉल आई तो मेरा चाची को वहाँ उस रवि कुमार जी जो टाटी सिल्वर थाना के अधिकारी जो है वो फ़ोन किए मेरा चाची को। तो मेरा चाची इधर से रोते दौड़ते गई कि व्हाट्सएप नंबर मांग रहा है, डेड बॉडी मिला है। तो हम उनको व्हाट्सएप नंबर दिए, तो वहाँ से फिर रवि कुमार जी जो है वो हमको 2 तस्वीर भेजे जिसमें कि मेरा चचा का फोटो था। फिर आप लोग थाना गए? नहीं, फिर हम वो बोले कि थाना आओ। रवि कुमार जी हमको बोले कि फ़ोन किए तो बोले सर ये मेरा ही चचा है, तो बोले थाना आ जाओ। तो हम लोग थाना जाने के लिए फिर हम तैयार हो रहे थे, तो फिर एक बार फिर कॉल किए तो बोल रहे हैं कि नहीं तो छोड़ो थाना मत आओ, तो हम डेड बॉडी को रिम्स भेज दे रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए। तो फिर हम रिम्स चल गए। तो आप लोग पूछे नहीं कि कैसे उनको मारा गया, कौन मारा है, कैसे उनकी मौत हुई? नहीं नहीं पूछे। तो रिम्स आप लोग यहाँ से घर से निकल के सबसे पहला बार आप लोग रिम्स गए? जी। थाना आप लोग नहीं गए? नहीं, थाना जाने से मना कर दिया गया कि थाना मत आओ, हम डेड बॉडी को रिम्स भेज दे रहा है, तो नहीं गया। किसने किसने मना किया क्लियर? रवि कुमार जी। अच्छा, तो रिम्स गए जब आप, तो थाना का कोई आदमी था वहाँ? हाँ, जिन एक सर थे जिनका DB दुबे नाम करके ट्रू कॉलर में शो कर रहा था। नाम उनका नहीं पता हमें, लेकिन उनका ट्रू कॉलर में नाम शो कर रहा था, DB दुबे। तो वहाँ उनसे आप लोग बात किए? हाँ, उनसे हम जाके मिले, हम उनको कॉल किए तो बोला आओ हम यहाँ पे है। फिर बोले कि आधार कार्ड का जेरोक्स लाए हो? हम बोले नहीं सर। तो बोले कि जाओ जेरोक्स करा के लाओ। जेरोक्स करा के लाए, फिर रखे रहे हम जब तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ तब तक। उसके बाद फिर हम लोग थाना चल गए। सिविल यूनिफॉर्म में थे? नहीं नहीं, वो यूनिफॉर्म में थे। यूनिफॉर्म में थे? जी। तो वहाँ पे आप लोग केस के बारे में नहीं पूछे? नहीं, यहाँ रिम्स में कोई बात नहीं हुई केस के बारे में। और फिर बॉडी के साथ आप लोगों ने क्या किया रिम्स में? रिम्स में हम लोग बॉडी को पोस्टमार्टम में लगा रखे और फिर कुछ जो गए थे मेरे साथ में उनको यहाँ यहीं हॉस्पिटल में छोड़े। उसके बाद हम लोग चल गए टाटी सिल्वर थाना। ठीक।
अब थाने के बारे में बताइए क्या हुआ, कौन कौन सदस्य गए थे घर से, और साथ में आप लोग के मतलब आस पड़ोस के लोग कौन कौन गए थे थाना में, और शुरू से बताइए क्या हुआ जाने के बाद। थाना में मैं गया था और एक समीम अंसारी जो मेरे चचा लगते हैं वो गए थे, और एक अकरम भाई जो है वो भी गए थे, मतलब और वही 10-12 लोग हम लोग गए थे थाना। नजमुल जी है और असरुद्दीन भाई है, लगभग वही 10-12 लोग हम लोग थाना गए, फिर अपना FIR वहाँ दर्ज कराए। FIR वही FIR पहले कंप्लेन है जो आप लोग लिख के रखे थे, अभी दिखाए थे। हाँ, वो कंप्लेन आप लोग दर्ज कराए जी। क्या लिखे थे वो कंप्लेन में, इसमें थोड़ा मोटा मोटी बताइए। रंजीत जी के बारे में आप लोग ने जाके थाना में जिक्र किया जी? मैंने कहा कि सर रंजीत जी जो है सो हमें तो आश्वासन में रख के, और ये तो हमें डेड बॉडी थमा दे रहे हैं सर, ये आप लोग एक तरफ से आप लोग दिलासा भी देते हैं कि आपका चचा ठीक है, और हमें 7 बजे कॉल आती है कि एक डेड बॉडी मिला है, तो ये क्या है सर बताइए, हमें एक दिलासा देते हैं और थाना में क्या बात हुआ थोड़ा सा बताइए। थाना में जब हम ऐसे सवाल किए कि सर आप हमें दिलासा भी देते हैं एक तरफ से, और एक तरफ से हमें डेड बॉडी थमा देते हैं अपना हाथ में, तो बताइए ऐसे में कैसे होगा, हम किस पर विश्वास करें? जिस पर विश्वास कर रहे हैं वहां से विश्वास टूटते जा रहा, तो ये सब क्या है सर? तो बोल रहे हैं सर कि बाबू हमें डेड बॉडी मिला, डेड बॉडी मिला, इसी वजह से हम इन्फॉर्म किए। तो हम बोले कि सर आपको लोकेशन क्या आपको मिला था, लोकेशन और नंबर रंजीत जी के तरफ से आपको कॉल करके बताया गया था, तो बोले वहाँ जाने के बाद हमें पता चला कि वो जो टाटी सिल्वे थाना के अधिकारी है वो बोले कि हमें 5:30 बजे मिला खबर, और रंजीत जी हमें बता रहे हैं कि मैंने 4:10 में जब आखिरी कॉल किया तो हमें बता रहे हैं कि मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया है, जो ये जो घटना स्थल है वो हमारी जोन में नहीं आता है, ये नामकुम थाना के क्षेत्र में नहीं आता है, ये टाटी सिल्वे थाना के क्षेत्र में आता है, इसी वजह से मैंने उनको सौंप दिया। तो हमें थाना जाने के बाद ये पता चलता है कि रंजीत कुमार जी हमें बताते हैं कि मैंने 4:10 में उन्हें इन्फॉर्म, तो उस थाना को ये दे दिया सब कुछ, ये सौंप दिया उनको, और थाना जाने के बाद हमें पता चलता है कि हमें 5:30 बजे खबर मिली है, तो ये सब क्या है, ये हमें चकमा दिया जा रहा है, हमें कहाँ से ये इंसाफ दिया जा रहा है बताइए। अभी तक FIR कॉपी नहीं मिला थाना के पास से हमें FIR कॉपी किया, हम लोग जब FIR दर्ज किए वहाँ पे अपना, तो हमें रिसीविंग भर मिला है, वहाँ केस नंबर ही सब कोई नहीं दिया गया है। एक आखिरी बात बता दीजिएगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको बोला गया है कि मिलेगा? ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में हमें नहीं पता है, ये भाई लोग जो यहाँ हॉस्पिटल में थे ना वही लोग इधर देख रहे थे, हम लोग वहाँ थे। 21 दिन बाद बोले ये भाई लोग जो लोग थे यहाँ रिम्स में, उनको इस हॉस्पिटल के बारे में खबर है, हम लोग को वहाँ थाना से आते हम लोग को 2:30 बज गया था, 2:30 बजे आए। कोई जानकारी मिली थी कि अकेले वो गए थे कि साथ में कोई और दोस्त भी गया? जी सर, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी, और उन्हें ही बता के गए थे, अगर वो मान के चलिए कि अगर कोई इंसान अगर कहीं जा रहा है और जाने से पहले बता रहा है कि हम यहाँ जा रहे हैं, तो घर वालों को पता होता है, और अगर नहीं बताया कि बस वो बोले कि एक जगह जाना है, वैसे नहीं बोले थे कि मतलब हम फलाना जगह जा रहे हैं। अख्तर जी के सारे दोस्तों से बात हुई? हाँ, उनके सारे सब यहीं गांव में ही थे, कोई साथ में नहीं थे, केवल वहाँ भी से भी आवाज़ आ रही थी तो अकेले, और डेड बॉडी भी मिला तो अकेले, अगर साथ में होते तो साथ में कुछ भी तो मिलता, कुछ भी माना नहीं थे। चार बच्चा को पालेंगे, जो मारा गया है उसको सजा होनी चाहिए। बच्चों के लिए क्या बोलेंगे सरकार? सब
पढ़ाई लिखाई सबने माने हमको मदद कीजिए, और हमारा बेटा के माने अपराधी मार दिया जान से हथियार ने, उसको सजा देना है और उसको फांसी लगाना है। बेकसूर ने हमारे बेटा को मार दिया, बिना कसूर ने मार दिया हमारे बेटा। अब हम क्या उपाय करेंगे? सरकार से हम मदद मांग रहे हैं, हमको सरकार नहीं देगा तो हम कैसे पालेंगे बच्चा को, पढ़ाई लिखाई के आगे कैसे बढ़ाएंगे? हमारा वह कम मजा रहे, पर हमको खड़ा करना है, क्या करेंगे हम? उसमें जो आरोप लगाया है बकरी चोर का, वो ये कुछ भी गलत बात है। ये जो अलग अलग न्यूज़ जो छाप रहे हैं पेपर में, वो गलत है। वो ऐसा नहीं थे, बेकसूर थे। हमको इंसाफ चाहिए और उसको फांसी का सजा मिलना चाहिए। जो भी ऐसा किए हैं उसको फांसी का सजा जल्द से जल्द हमको चाहिए। जब तक नहीं मिलेगा हम लोग को नहीं चैन मिलेगा। छोटे छोटे बच्चे हैं चार, उसको कौन देख रेख करेगा? कौन उसके पढ़ाई लिखाई का कौन करेगा बताइए? हमको इंसाफ चाहिए और जल्द से जल्द चाहिए, बस।